एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने प्रेस क्लब में मीडिया को बताया कि विगत दो वर्षों से कोरोना काल के कारण एनएसयूआई के साथियों और छात्र छात्राओं के बीच दूरियां आ गई थी। इन फासलों को दूर करने एवं छात्र छात्राओं के बीच पूर्व की भांति समरसता बनाने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए मेंबरशिप लॉन्च किया गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में मेंबरशिप लॉन्च किया गया है। एनएसयूआई सदस्यता का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुनः अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच जाकर उनकी समस्या को टटोलेंगे और छात्र हित के मुद्दों पर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। रंजीत सिंह ने सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि एनएसयूआई में स्कूली छात्र छात्राओं को जो 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है उन्हें सदस्य बनाया जाएगा तथा विभिन्न कॉलेजों में जो किसी भी विभाग में पढ़ाई कर रहे हों उनकी सदस्यता करानी है। रंजीत सिंह ने यह भी बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 3 लाख एवं बिलासपुर जिले में 40,000 एनएसयूआई के सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इसलिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जो सबसे अधिक सदस्य बनाता है उसे उस विश्वविद्यालय कॉलेज और विद्यालय का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। हमारे एनएसयूआई के जितने भी पदाधिकारी है हमारे जिले पे उन सारे लोगों वो सारे लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और सारे लोग आपस में निम्न कॉलेजों को बांट लिया जाएगा कि ये छात्र नेता ये पदाधिकारी इन चार कॉलेजों को देखेगा, ये पदाधिकारी इन चार कॉलेजों को देखेगा और वहाँ जाके अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ के छात्रों से मिलेगा और उन्हें सदस्य बनाने की पूरी कोशिश करेगा। सदस्यता अभियान के पीछे क्या मकसद है? देखिए, सदस्यता अभियान के पीछे मकसद हमारा ये है कि कोरोना काल में जिस तरीके से छात्रों और छात्र नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ गई थी उस दूरियों को हम कम करना चाहते हैं, उनके पास दोबारा जाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ और उनके मुद्दों को दोबारा हम उठाना चाहते हैं। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।